आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया या खाया होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में कितने उपयोगी हैं मिट्टी के बर्तन। तपती धूप में झुलसने के बाद जब सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो उसकी सौंधी खुशबू से धरती महक उठती है। जब गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप से घर पहुँचे और घड़े का ठंडा पानी मिल जाए तो मन आनंदित हो जाता है। जब मिट्टी से बने बर्तन में खाना पकता है तो उसकी खुशबू पूरे घर के साथ साथ आसपास के घरों में भी फैल जाती है। खुशबू का जादू ऐसा कि जिसे भूख भी नहीं लगी हो उसके मुंह में भी पानी आ जाए। हम गांव की बात करते हैं तो हमें अपने दादाजी की बातें याद आती हैं, कैसे उस जमाने में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। आज भी कई घरों में मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है। कस्बाई शहरों से लेकर महानगरों में पीने का पानी घड़े या सुराही में भरा जाता है। मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय पीने का अपना ही एक अलग आनंद है। जब गांव में हम मिट्टी के बर्तन को देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि गांव में LPG गैस नहीं है या गांव के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। इसकी सच्चाई यह है कि उनको अपने सेहत की चिंता है। आइए जानते हैं कहाँ से आई मिट्टी के बर्तन। जब हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की तो यह सवाल मन में आता है कि आखिर कहां से आए ये बर्तन। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत 5500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। तब से लेकर आज के आधुनिक युग तक मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कांगड़ा के बर्तनों का तरीका हड़प्पन संस्कृति के बर्तनों से मिलती जुलती है। हिंदू धर्म के अनुसार मिट्टी से पवित्र वस्तु कुछ नहीं है, इसलिए भगवान को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाया जाता है। पूजा पाठ ये सब अधूरे रह जाते हैं अगर मिट्टी के बर्तन नहीं होते। जब भी कभी घर में पूजा पाठ होता है तो उसका प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। बिना मिट्टी के दिए के हम कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात में मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनती है जिसकी लोग पूजा करते हैं। मणिपुर, बिहार जैसे राज्यों के मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं। उन पर की गई कारीगरी मन को मोह लेती है। हिमाचल का कांगड़ा अपने काले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मेरठ और हरियाणा का झंझर सराइयों के लिए जाना जाता है। कानपुर अपने बर्तन पर बने खूबसूरत नक्काशियों के लिए दुनिया में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि और मणिपुर भी मिट्टी के बर्तन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हेल्थ के लिए कितना जरूरी है मिट्टी के बर्तन। आयुर्वेद कहता है कि खाना हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही बनाना चाहिए। आयुर्वेद में उसके कई फायदे बताए गए हैं। यह खाने को जहरीला होने से बचाता है और इसमें खाना लंबे समय तक ताजा रहता है। इसमें कम तेल का इस्तेमाल होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। साथ ही खाने का स्वाद के साथ साथ इसकी पौष्टिकता की मात्रा बरकरार रहती है। वह मिट्टी का बर्तन पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होना जरूरी है।